कशुलिया ने ब्लॉक डील में एसजीएस एंटरप्राइजेस में अपना Correct. स्टेक भी बढ़ाया था. उसके बाद इनका रिजल्ट आया, स्टॉक 40 रुपये चल गया एक महीने में, और उन्होंने काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी है, 25% प्लस की विजिबिलिटी दी है. ये भी ऑटो रिलेटेड कंपनी है और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं, टू व्हीलर्स, ऑटोमोटिव. सो संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इटीना स्वदेश से बात करने के लिए. हम लोग ऑटो स्पेस की बात ही कर रहे थे. सबसे पहले आप बताएं कि आपने 25% जैसी जो विजिबिलिटी दी है, आपकी जो विजिबिलिटी है उसका वो कहाँ से उपज रही है? आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप यहाँ से सेक्टर ग्रोथ पे? हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं. सो एसजीएस बड़ी एक यूनिक पोजीशन में है. हम एस्थेटिक डेकोरेटिव प्रोडक्ट देते हैं, और जैसे आप जानते हैं आज की तारीख में जो कंज्यूमर है बहुत अवेयर हो गया है, उसको नए नए प्रकार के फीचर चाहिए गाड़ी के अंदर. तो हमारा जो काम है वो है कि फीचर लिडन गाड़ी में कस्टमर्स को कैसे सपोर्ट करें नई नई टेक्नोलॉजीज लाके, तो इसी पर आधारित है. और हमारा बड़ा स्ट्रांग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हम देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में. और जैसे हमने गाइड किया था मार्केट को कि 25% इस साल का एनुअल केगर होगा और अगले 3 साल भी ऐसा ही रहेगा. बहुत अच्छी डिमांड आउटलुक है एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ और नए कस्टमर के साथ भी. तो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कस्टमर से ट्रैक्शन बहुत अच्छा है, और ऑटो साइकिल जैसे आप जानते हैं अपना रिकवरी के फेज में है, तो काफी अच्छी पेंट अप डिमांड है मार्केट में. तो इसलिए हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं ग्रोथ के लिए. बिल्कुल संजय जी, ये तो सही कहा आपने. और ग्रोथ के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो फिर बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स आपके क्या होंगे ये भी आप बताइए. एक कर्ज मुक्त डेट फ्री कंपनी है आप, और जो कैश जनरेशन हो रहा है उसे कैसे कैपिटलाइज करेंगे, कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, और साथ ही क्या कोई ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन के प्लान्स आप बना रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल. तो हमें कस्टमर से ट्रैक्शन बहुत अच्छा है. तो पिछले साल हमने एक कंपनी एक्वायर करी थी क्रोम प्लेटिंग प्लास्टिक्स की, क्रोम प्लेटिंग करने के लिए और इंजेक्शन मोल्डिंग और पेंटिंग के लिए. तो इस बिजनेस में हमने पिछले साल 50% ग्रोथ करी, इस साल दोबारा 25% ग्रोथ करेंगे. तो हम एक ग्रीन फील्ड एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ग्रीन फील्ड प्लांट में, जिसके अंदर हम 3 गुना अपनी कैपेसिटी क्रोम प्लेटिंग की बढ़ाने वाले हैं. तो ये हमने मार्केट में ऑलरेडी अनाउंस किया है. तो कुछ हमारा जो 130 करोड़ का हमारे बुक्स के अंदर फ्री कैश है उसको हम इस्तेमाल करेंगे इस ग्रोथ के लिए. साथ के साथ जो हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी मिल जाएंगी. तो जो भी सिनर्जिस्टिक कंपनीज हैं उनको हम इवेल्युएट कर रहे हैं ताकि शेयर होल्डर वैल्यू हम कैसे मैक्सिमाइज कर पाएं. ये आदेश ये डायरेक्शन है कंपनी की, तो उस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं हम. मिस्टर थापर, एक और चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि जो आपके वाई एंड वाई बेसिस पे हमने मार्जिन देखा 28% के आप मार्जिन आपके रजिस्टर हुए हैं, और आप खुद बता रहे हैं कि आपकी ग्रोथ लगभग 25% की सीएजीआर एक्सपेक्टेड है, तो क्या मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ से देखना चाहिए? 30% या 30% से अबव मार्जिन की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए क्या गोइंग फॉरवर्ड? तो हम कंसिस्टेंटली मार्जिन हमने मार्केट को जो गाइड किया है वो है 25 से 27% मार्जिन रखेंगे. तो हम हमेशा चाहेंगे कि हम डिलीवर ज्यादा करें जो हमने प्रॉमिस किया है, बट मार्केट को जो गाइडेंस है अभी उस पर स्थिर हैं. तो 25% केगर से ग्रो करेंगे टॉपलाइन को, और हम मार्जिन को स्टेबल रखेंगे 25 से 27% बिड्डा मार्जिन पे. और हमारा पैट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, तो हम 17.1% हमारा पैट है. तो ये मैं सोचता हूँ कि काफ़ी अच्छा है ऑटो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री में, बहुत सारी कंपनी आपको ऐसी नहीं मिलेगी. तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं हम ग्रोथ को लेकर. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, बहुत ही बढ़िया आपने कमेंट्री दी है. नो वंडर अच्छे इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं. 25% ग्रोथ, 27% मार्जिन का कॉन्फिडेंस, बट अपवर्ड बायस जारी, ये कमेंट्री निकल रही है. और ग्रोथ में बाहर से एक्विजिशन भी अगर सही वैल्यूएशन मिले तो, ये कैविएट के साथ संजय जी ने हमसे बातचीत की. देखिए, एक महीने में स्टॉक 10% बढ़ा है, 6 महीना एक साल भी लेके अगर आ पाए तो समझने में और आसानी होगी कि बेसिकली डायरेक्शन क्या जा रहा है स्टॉक का. 6 महीने में 21%, 470 रुपये का भाव.